हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बात करेंगे एक नया मलयालम मूवी के बारे में जो कि रिसेंटली अमेजन प्राइम पे रिलीज़ हुआ है और इस फिल्म का नाम है नरादन, जहां पे हम लोगों को टॉबिन थॉमस को लीड रोल पे देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी कैसा हुआ इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस मूवी के बारे में मुझे पहले से कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि इस मूवी में टॉबिन थॉमस है और टॉबिन थॉमस के जो लास्ट मूवी था मिन्नल मुरली, वो मूवी देखने के बाद टॉबिन थॉमस का मैं एक अलग सा फ़ैन हो गया था। तो मैंने ये सोचा लेट्स वॉच दिस मूवी हाउ इट इज़। और ये जो मूवी मैंने देखा, इट्स कम्प्लीटली हार्ड हिटिंग, इट्स कम्प्लीटली फैक्ट ड्रिवन मूवी। इस फिल्म पे जो कॉन्सेप्ट, जो स्टोरी यहाँ पे जिस तरीके से यूज़ किया है, वो ज़्यादातर आज ऐसे चीज़ होते रहते हैं आप लोगों के आँखों के सामने। तो इस मूवी में डील किया हुआ है जर्नलिज्म के बारे में। अब जर्नलिज्म कई तरह के होते हैं, यहाँ पे येलो जर्नलिज्म पे आप लोगों को पता है कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो मासेस में स्प्रेड हो जाते हैं। तो येलो जर्नलिज्म का इफेक्ट क्या होता है, या फिर ऐसे जर्नलिज्म जहाँ पे सिर्फ TRP के लिए जर्नलिस्ट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तो उस कॉन्सिक्वेंसेस में क्या चीज़ होते हैं, ये सब टॉपिक आप लोगों को इस फिल्म पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे टॉबिन थॉमस का जो कैरेक्टर है, ही वर्क्स इन अ न्यूज़ पोर्टल जहाँ पे वो प्राइम टाइम पे डिबेट शो करते हैं। अब प्राइम टाइम पे डिबेट शो करने के कारण कुछ कुछ समय उनका TRP अच्छा जाता है, कुछ कुछ समय उनका TRP उतना अच्छा नहीं जाता। तो देन जैसे और फिल्म आगे बढ़ेंगे, कुछ सिचुएशन के कारण उनको उस न्यूज़ स्टूडियो से उनको निकाल दिया जाएंगे। अब उसके बाद टॉबिन थॉमस खुद अपना एक न्यूज़ स्टूडियो खड़ा करेंगे, खुद न्यूज़ चैनल खड़ा करेंगे। उसके बाद कैसे वो अपने न्यूज़ स्टेशन को नंबर वन पे ले जाएंगे, और ये सब प्रोसेस में वो भी एक ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसके कारण उनका रेपुटेशन पूरे दाव पे आ जाएगा। अब ये सब कुछ चीज़ें वो कैसे टैकल करेंगे, और ये जिस तरीके से वो न्यूज़ यहाँ पे बना रहे हैं वो कितना यहाँ पे वैलिड है या कितना यहाँ पे सच्चाई है, सब कुछ जब सामने आएगा। तो टॉबिन थॉमस को अल्टीमेटली क्या होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये नरादन मूवी देखने होंगे। तो यहाँ पे जर्नलिज्म के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर ने दिखाए हैं, क्योंकि जैसे जर्नलिज्म काम करते, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली इन टूडेज टाइम, वो आप लोगों को एक रियल फेस डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश किया है, जिसके लिए फिल्म का जो एक पैटर्न है, जो एक फ्लेवर है, वो बहुत ही हार्ड हिटिंग टाइप है। फिल्म का जहाँ पे ज़्यादातर जॉनर है ड्रामा प्लस सॉर्ट ऑफ थ्रिलर, क्योंकि फिल्म के जो सेकेंड हाफ पे आप लोगों को कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेंगे। और सेकेंड हाफ जिस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इट वॉज डैम गुड। यहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा का जो सीन था, जो मोमेंट था, जो टेंशन यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, वो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे लगेंगे देखने के समय। और इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रहे थे एक के बाद एक, जो यहाँ पे आप लोगों को ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, वो ही इस फिल्म का मेन एस्पेक्ट है। साथ ही साथ फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बहुत कॉम्पैक्ट था, बहुत टाइट था। हाँ, लेकिन फिल्म का स्टोरी जो है वो बिल्डअप होने के लिए बहुत टाइम लेंगे, लाइक 30-40 मिनट्स बाद ही आप लोगों को फिल्म के असली स्टोरी के बारे में देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले स्टोरी बिल्डअप, कैरेक्टर बिल्डअप में बहुत टाइम लेंगे, लेकिन हाँ, वो बिल्डअप होना भी ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद स्टोरी जैसे और आगे बढ़ेंगे, मेन प्लॉट जब आएंगे, पूरे फिल्म का जो एक मज़ा पूरा चेंज हो जाएगा। न्यूली कम्प्लीटली हुक्ड ऑन टू द स्क्रीन आफ्टर दैट, एंड उसके बाद जो चीज़ चलता रहेगा, यू वोंट बी एबल टू ब्लिंक योर आई फॉर अ सेकेंड। तो फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया था, साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिंग परफॉर्मेंस भी सब लोगों का कमाल का था, स्पेशली टॉबिन थॉमस यहाँ पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बहुत ही काबिले तारीफ है। साथ ही साथ फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया हुआ है, जिस तरीके से पूरे कोर ड्रामा को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, दैट वॉज सीरियसली अ ट्रीट टू वॉच। साथ ही साथ फिल्म का BGM भी बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं, और आप लोगों को यहाँ पे एक ऐसे चीज़ देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे पावर वर्सेस जस्टिस पे एक फाइट होंगे, जो कि कोर्टरूम ड्रामा पे जो थीम है, जो वहाँ पे मुद्दे उठेंगे अल्टीमेटली, तो उस फाइट में कौन जीतेगा, टॉबिन थॉमस जीतेंगे या फिर जस्टिस जीतेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखने होंगे। और टॉबिन थॉमस के साथ साथ यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, जो एक लड़की होंगे, वो एक लेडी लॉयर होंगे, उसके कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया सच में टॉबिन थॉमस के साथ साथ, यहाँ पे जो स्क्रीन शेयर देखने को मिलेंगे दोनों के, जो कैरेक्टर होंगे कोर्ट ड्रामा पे, उस समय उनका भी परफॉर्मेंस बहुत बहुत ही काबिले तारीफ थे। तो ओवरऑल अगर कहूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा कोर्ट रूम ड्रामा या फिर ऐसे ड्रामा मूवीज़ देखने में पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी ऑन अमेजन प्राइम। ये इंग्लिश सबटाइटल्स में अभी अवेलेबल है, हिंदी में नहीं आया, बट दिस इज़ वर्थ वॉचिंग, आई कैन टेल यू दैट। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी देख लिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।